गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आज उन्हीं राइट्स में से हम राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। आज हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक होता है। कई बार एग्जामों में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कोई भी आर्टिकल दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं क्या ये राइट टू इक्वालिटी के पार्ट्स हैं कि नहीं, ये इसके अंडर आते हैं कि नहीं। इस तरह से काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉज। क्या कहता है जी? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रीट ऑल पीपल द सेम इन द आई ऑफ लॉज। इसका मतलब ये होता है सर कि ये मैटर नहीं करता आप बड़े हो छोटे हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन आप क्या है, कानून के नजर में सभी लोग एक समान है जी। क्या? कानून के नजर में सभी लोग क्या है? एक समान है। आर्टिकल 14 यही कहता है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है जी, अगर कोई बच्चा बिलो 18 ईयर है, वो कोई क्राइम कमिट करता है, तो उस पे वो सेम लॉ अप्लाई नहीं होगा जो लॉ 18 साल से ज्यादा के जो लोग होते हैं उन पे अप्लाई होता है। क्लियर? देखिए कहता भी यही है, सेम लॉ विल नॉट अप्लाई ऑन द एडल्ट और चाइल्ड। क्लियर हो गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो बच्चे हैं 18 साल से कम उन पे वो लॉ अप्लाई नहीं होगा जो 18 साल से ज्यादा है। यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या है? कुछ ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं जिसमें स्टेट्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। वो ग्राउंड कौन कौन से हैं जी? यहां पे मैंने लिखा हुआ है, रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स एनी ऑफ देम। ये जो ग्राउंड दिया हुआ है इस पे क्या है? स्टेट्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली सरकार होता है। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट्स होता है। गवर्नमेंट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस, ग्राउंड जो दिया हुआ है उस पे क्या है, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यही कहता है आर्टिकल 15। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ जी? सबको सेम अवसर देता है। क्या कहता है ये आर्टिकल? सबको सेम अवसर देता है क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में। क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए सबको सेम अवसर देता है। क्लियर? यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। दो आर्टिकल बच रहे हैं 15-16, उसको भी मैं करता हूं। थैंक यू फॉर टुडे।